हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं कुछ दिन व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई, उसका एक रीज़न था, मतलब मेरे फेस पे भी एलर्जी हो चुकी थी एंड इनकी भी कंटिन्यू ड्यूटीज चल रही हैं और बहुत बिजी थी मैं पर थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि शक्ल ही ऐसी हो गई थी। भी अभी ठीक हो गई तो मैंने बोला चलो बता दूँ मैं आपको, थोड़ी ठीक हो गई, प्रॉपर तो नहीं बट मतलब ऐसे नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, बट इतना जलन जलन और ये सब चीज़ें तो अभी ठीक है। बाकी आपको याद आई मेरी, वैसे कुछ लोगों ने तो मुझे किए मैसेजेस कि हाँ ब्लॉग भी बना रहे हो, तो स्पेशली थैंक यू सो मच इतना प्यार और अपनापन दिखाने के लिए। एंड अभी मैं बैठी हूँ, मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सर्दियों में धूप, सॉरी सर्दियों में धूप आया है बट गर्मियों में सबसे पहले अंदर आती है धूप। मैं यहाँ पे बैठी हूँ एंड अभी हस्बैंड को नहीं दिखा सकती बिकॉज ही इज़ इन यूनिफॉर्म एंड वो फिर ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, तो मैं अकेली ही व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी अब, क्योंकि कितना ही टाइम लगा रहा, अच्छा नहीं लगता खुद को ही अगर कोई काम शुरू किया तो उसको फिर अच्छे से करना भी होता है। तो अभी मैं नहाऊँगी बट उससे पहले ना मैं चाय पी लूँगी, फिर मैं नहाऊँगी क्योंकि नहाने के बाद अगर मैं चाय पीऊँगी तो मुझे फिर गर्मी पड़ जाएगी क्योंकि भी मौसम यहाँ पे बहुत गर्मी हो चुकी है। मतलब अगर ऐसे ही गर्मी रही 5-6 दिन, 4-5 दिन लगातार, तो फिर कूलर और फैंस लगाना स्टार्ट कर देंगे हम। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। और आप भी मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि आप जहाँ पे रहते हो कहाँ पे रहते हो पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे कितनी गर्मी है और आपके फैंस चला दिए आपने या नहीं चलाए अभी तक, ओके? और बाकी बहुत ही जल्द एक गिव अवे होगा तो स्टे ट्यून्ड, और ऐसे भागना मत इधर उधर, इस गिव अवे के लिए जल्दी से सारे लोग रेडी हो जाओ। अगले नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी इसके बारे में। और भाई जो व्लॉग्स देखते हो मतलब वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है? लाइक बहुत कम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू व्यूज़, तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ओके? तो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी आपको। वैसे तो मैं खुद ही बोर फील कर रही हूँ बट स्टिल मैं आपको क्या आज बताओ मैं क्या, मतलब बहुत लोगों के बहुत सारे थे बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना वैसा कुछ। बट चलो आई विल ट्राई टू डू समथिंग बेटर फॉर यू। चाय एंड ब्रेड मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। लंच पे आओगे? डिनर पे आओगे? ब्रेकफास्ट है अभी हो गया ना, लंच का टाइम है। वैसे टाइम है लेकिन आऊंगा नहीं, आने जाने का हो रहा है, बहुत गर्मी भी बहुत होती है उस टाइम। और लेके जाना, लेके चले जाना कुछ फिर हल्का सा। गाइस ऐसे ही है, क्या करें, अकेले खाना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हैवी वाला, सॉरी। कल साथ में करेंगे। छुट्टी है दिन में भी और रात में भी? हाँ नाइट में जाना है, दिन में छुट्टी है बस भाई। आज वो बैठो एवली फ्रेंड्स, अभी मैं कर चुकी हूँ पूरे यहाँ पे सफाई, आप देख सकते हैं चमचमा रहा है मेरा घर। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, कपड़े मैंने धो दिए हैं सारे, बेडशीट जो गर्म वाली बिछाई हुई थी अभी आज जस्ट वो धोई है, अभी हम कॉटन वाली यूज़ करेंगे बिकॉज अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मिलते हैं नहाने, और आज मैं जा रही हूँ कहीं बाहर तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं नहा के रेडी होके आ चुकी हूँ एंड दिस इज माय आउटफिट। उनको बैक कैमरा करके भी मैं दिखाती हूँ, और मेरा हेयर स्टाइल भी डन हो चुका है, लंच हमारा डन हो चुका है, वो ड्यूटी से भी आ चुके हैं और अभी हम बाहर कहीं जा रहे हैं, कुछ सामान भी हमें लेना है। और वैसे तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, स्किन केयर, क्योंकि सन की वजह से स्किन आजकल ख़राब हो जाती है, गर्मियाँ चल रही हैं, सो सनस्क्रीन मस्ट है गर्मियों में भी, तो मैं वो लगाऊँगी, थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा रेडी होके मिलते हैं। अपनी फुल लुक दिखाती हूँ और आई एम रेडी।
ये है मेरी ड्रेस, अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट डीएम कुछ भी कर सकते हो, या यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कैसी लग रही है मेरी ड्रेस। मुझे ये बहुत पसंद आई, आई डोंट नो व्हाई, मुझे दिल्ली आ गया मेरा इस पर कि मुझ पर बहुत अच्छी रहेगी एंड अच्छी भी लग रही है नो डाउट। ऐसे और मेरा मेकअप हल्का हल्का थोड़ा इस मिरर में ना, एक्चुअली बाहर यहाँ किचन के साथ में इधर है ये, तो थोड़ा इसमें ना ओस ओस आ जाती है, इसको डेली साफ करना पड़ता है, इसको साफ नहीं किया तो बहुत गंदा दिख रहा है, बट स्टिल एंड दिस इज माय फुल लुक। अभी मैं देखती हूँ मित्तू क्या कर रहे हैं, दिखा सकती हूँ मैं उनको कि नहीं दिखा सकती हूँ। अंदर रेडी है, रेडी रेडी, हाँ रेडी हैं, अभी रेडी हो रहे हैं एंड मैं भी हूँ रेडी। अभी मैं अपनी चप्पलें निकाल लेती हूँ, चप्पलें शूज़ तो इसका अच्छे लगेंगे बट मुझे गर्मी लगेगी सो चप्पलें ही पहनती हूँ। वैसे तो ये भी अच्छी लग रही हैं, घर की है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि मैंने बताया था कि मेरा एक सूट जल गया था भाई की शादी में जब मैं गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका प्लाजो कहाँ से जला है और कितना सारा जला है, तो उसको भी मैं लेके जाऊँगी टेलर के पास, दे के आऊँगी। वेट, ऐसे मैं इसको रख देती हूँ। सो ये मेरा सूट था, मतलब प्रॉपर रेड नहीं बोल सकते इसको, मरून बोल सकते हैं, वैसे तो रेड लगेगा आपको, मरून बोल सकते हो। तो ये मेरा प्लाजो था और इतना प्यारा सिला था, मतलब पिछली वाली साइड से इलास्टिक और अगली वाली साइड से बिल्कुल फ्लैट था, और इसमें पॉकेट भी थी। और मैंने मुश्किल से ये दो बार पहना था सूट, एक बार मैंने पहना था करवा चौथ पे क्योंकि मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए ये सूट लिया था, और दूसरी बार मैंने ये सूट पहना था ऐसे ही पहना था, मतलब तो मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस की ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं इसको भी ऐसे भी पहन सकती थी इतना ज़्यादा, और भाई जला है सूट देखो, इतना सारा मेरा, मतलब मैं बहुत बार मैंने बोला कि मैं आपको दिखाऊंगी दिखाऊंगी और मैं दिखाने पर, और इतना ज़्यादा जल गया था, मतलब जो पल्ला था ना मेरे सूट का, सर्दियों में ऐसा होता थोड़ा बंदा लेगिंग पहन लेता है अंदर से, तो मैंने पहनी थी तो मैंने सोचा कि ऊपर से जला होता तो मैं इसके ऊपर से शर्ट पहन लेती तो पता नहीं चलता, ये जला पता है कहाँ, जहाँ से शर्ट ख़त्म होती है हाँ वहीं से जला है। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा, बता नहीं सकती आपको धूप इतना बड़ा, वही ऐसे जल जाता है ऐसे मेरा प्लाजो। अभी मैं उनको पूछूंगी, वैसे वो बोल रहे थे मैं ठीक कर देंगे, चलो देखते हैं ठीक करते हैं नहीं करते हैं, अगर नहीं होगा तो उनको मैं ऐसा बोलूँगी कि सेम कपड़ा लेके मेरा प्लाजो बना दो भाई, अब चाहिए तो इतना महंगा सूट है उसके साथ, तो वैसे वो घगरी सी भी है बट वो मैं वेयर नहीं करती बिकॉज कम्फर्टेबल नहीं होती ना, और तो ये भी मैं लेके जा रही हूँ, तो मतलब टेलर के पास तो चक्कर लगते रहते हैं मेरे, बट मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ कि मेरा सूट इतना जला है, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हाँ नहीं जला है, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं, ओके माइंड इट। तो ये इतना नुकसान हुआ था मेरा, और सब भैया आप भी देख लो, आप मुझे बार बार बोल रहे थे आपने भी देखा था, चलें कहाँ जाना है। क्या मैं खुद को देख रही थी मिरर में, वीडियो बना रहे हो आप? नहीं बना रही हूँ, खुद को चेक कर रही थी मैं मिरर कैसा लग रहा है यहाँ से, कुछ भी लगता है आपको, कुछ भी लगता है, कुछ भी बन रही है मेरी वीडियो बन रही है, मैं समझ गया क्यों बनाऊंगी आपको, कैमरा उठा मेरे साथ, ये तो मैं ऐसे उठा सकती हूँ, देखो भाई हमारे ऊपर कितना डिजाइन बना हुआ है, आपने देखा कभी ये डिजाइन, आपको नहीं बोल रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग टू माई गाइज, माई यूट्यूब फैमिली, मेरी वॉच, माई वॉच कौन सी वाली लानी है, मेटल वाली, यस, दूसरी वाली छुट्टी करवानी है बट बाद में करवा लूँगी।
ना 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 जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा। ये मेरा माइक लग रहा है, ये यहाँ पे वो नहीं लग रहा। ये मेरा माइक है गाइस। कोई इश्क निभा पाएगा तू कहाँ। एंड आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं यार, मतलब ना मेरे को बहुत ही यूजफुल लगता है ये। वेट, ये देखो इसमें कितने सारे जूते आ जाते हैं आपके, और देखने में भी बैड नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने पहन लिए अपने चप्पलू, हील वाले चप्पलू। एंड अभी मैं इधर यार, मेरे को ना टेबल भी ना ऐसे ही कुछ रख देते हैं, कुर्सी पर रखा है, टेबल पर रखा है, हर जगह सामान ही सामान। रुको मेरे पास, मैं खुद पहन लूँगी भाई। कभी आपको मेरी वॉचेस की कलेक्शन देखनी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी मेरी घड़ियों की कलेक्शन। आपको मेरे पास बहुत घड़ियां हैं, है ना? आपसे आपकी जितनी दूंगी, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। एक आधी तो ज़्यादा होगी। कैसे, आपके पास पता कितनी वॉच है? एक एक सिल्वर वाली है, एक गोल्डन वाली है, एक ब्राउन वाली है, एक ब्लैक वाली है, एक और ब्लैक वाली है, और एक एक्स्ट्रा और ली है मैंने। 6 वॉच आपके पास, ठीक है? और आपके पास? मेरे पास 1 2 3 4 चार घड़ियां हैं मेरे पास, बस दो इधर हैं, दो उधर हैं, पांच कहाँ हैं, चार ही हैं। तो आपके पास ज़्यादा हैं, एक या दो घड़ियाँ ज़्यादा हैं आपके पास। मेरे पास ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि घड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, खुद ज़्यादा होती हैं कि नहीं लोगों के पास। पर मेरे पास चूड़ियाँ भी होती हैं ना, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, कंगन, गोल्ड बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, पंडोरा ब्रेसलेट्स, सो मैनी थिंग्स आई हैव, आई एम वेरी रिच। बट मेरी घड़ियाँ सारी कॉस्टली हैं अकॉर्डिंग टू योर वॉच, मतलब आपकी घड़ियों के अकॉर्डिंग मेरी घड़ियाँ ज़्यादा महंगी है। टाइटन वाली वो है 5-6 हज़ार की, दूसरी वो भी पता नहीं 2500 की थी शायद, गैस की वो कॉपी, और वो फर्स्ट कॉपी, और ये ओरिजिनल है, ये फास्ट ट्रैक की है, और दूसरी है कोई फॉरेन कंट्री की है, वो घड़ी वो भी ओरिजिनल है। तो इतनी घड़ियाँ हैं बस बस। पर आप बताना, आपको कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगी घड़ियों का। तो चलते हैं गाइस, हम चलते हैं, ये चलो मैं पैसे अपने अपने पैसे नहीं, अपना पैसा अपना पैसा होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं गाइस, चाबी नहीं लेके जाएंगे, एक ही चाबी बथेरी है इसमें। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, कुंडी लगा दी परे। अरे डेक्स्टर देखना यार, इसने कितना गंद मचाया हुआ है इधर, देखो क्या किया, रेत रेत कर दिया, कितना मासूम बना हुआ है, खराटे ले रहा है मित्तू ये। अरे अरे मैं पास से दिखाती हूँ किस खराटे ले रहे हैं। इसके ऊपर आपका साया पड़ गया। किसका? भाई इसको उससे खराटे ले, मैं तो यहाँ सुनाई दे रही मेरे को। डेक्स्टर ओ खराटे, तो कहाँ मिट्टी में जाके आया ये, हैं क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ जगह कि नहीं। डेक्स्टर सोया है, शेरू बन गया, शेरू शेरू। जब ये हम आ गए हैं टेलर शॉप पे, और टेलर मुझे लग रहा है सोए हुए। गुड मॉर्निंग, गुड जाओ, तुम आ गई, गुड मॉर्निंग। देखो गाइस हमारे टेलर सोए हुए हैं, इधर हमारे टेलर सोए हुए हैं, खड़ी हुई है, शेरू भी खड़ी हुई है, सभी हो गए हैं। रेस्ट कर, रेस्ट टाइम होगा ना इनका, बना दो सेम प्लाजो, सेम ही रखना सारा कुछ, तो जो इतना इतना सुंदर प्लाजो बनाया था, पूरा पॉकेट लगवा के और पूरा जल गया।
सेम ही कलर और सेम बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जरा भी अलग हुआ ना तो देखो कपड़ा देख लेते हैं बॉम्बे वाले के यहाँ से, आप देख लेना, आपको सस्ता भी देंगे ना। सस्ता तो क्या देंगे, बस ये है आपका थोड़ा सा अगर 19-20 हुआ तो आप उसमें कर सकते हो। मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या पता लगेगा, आप इसी आपको ज्यादा पहचान ना कपड़े की। चलो ये भी रखो, कर देना कब तक हो जाएगा, कॉल कीजिए जैसे होगा मैं कॉल कर दूंगा, नंबर है ऐसे बिल्कुल ऐसे चलना ठीक है, बाय फॉर द गुड नाइट। पहुँच चुके हैं पारस डाउन टाउन की बेसमेंट में और इस यहाँ के सामने है रिलायंस मार्ट, ये लो और ये पर्ची यहाँ पे कटती है, फिर वो पर्ची हमारे बिल में से वो काट देते हैं पैसे, है ना, 10 रुपीज़ कम कर देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, एक दो वीडियोस में बना लूँ, उसके बाद फिर हम आके सामान लेंगे। आप मुझसे डरते हो? नहीं, मैं आपसे काम करवाती हूँ यार, और एक पता नहीं कौन आंटी है भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी देखा वो कमेंट, सीरियसली शी इज लाइक बिच, बिच होती है ना एक, जिसको बस भाव भाव करना आ रहा है, बस वैसे वो करती रहती है, सो आई फील वेरी बैड। उधर चलते हैं ना, इधर से ऊपर चलते हैं पहले, फिर आते हैं नीचे। अब मुझे इतना गुस्सा आया ना उस पर, मुक्का मार देती मैं, कुछ भी बोलती है। अब उसकी कोई खुद कोई उसकी रिस्पेक्ट करता नहीं होगा तो भाई खुल जा सिम हो गया। और वो भी ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता बहन। ऊपर अभी हमने वीडियोस बना लिए और नीचे जा रहे हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंस है, मतलब बाहर से भी वीडियो बनाए अच्छी बने पर शीशा साफ नहीं है, खुद ही जाएगी फिर तो बात। ग्राउंड हम देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है, ऐसे तो हम राशन लेने के लिए आए हैं बट स्टिल अभी हम आए हैं जहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था कटानी में, जो कि है पारस डाउन टाउन में, तो अभी हम वहाँ पे लंच कम डिनर कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ड्यूटी जाएंगे घर जाके, तो हमारा लंच और डिनर एक साथ ही हो रहा है, क्योंकि थोड़ा हैवी खा लेते तो। और यहाँ का खाना अच्छा होता है, इसलिए बहुत टेस्टी होता है, सीरियसली दैट्स व्हाई। ओनली एक प्लेट मंगाई है और इसमें से मैंने थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा ले लिया, और एक मतलब एक इसमें मतलब अनलिमिटेड होता है आपका 170 में, आप कितना भी खाना खा सकते हो, तो इतना तो मैं खा 170 का, मैं दो ही एक ही रोटी खाऊंगी तो क्यों ऐसे वेस्ट करना, तो इसलिए मैं इनसे ही खा लूँगी थोड़ा सा। पैसे बचाओ, पैसे बचाओ नहीं मतलब मनी बचाओ, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। टर्टल अगर आपके पास आता है ना खुद से, तो इट मीन्स ये आपके लिए बहुत सारा पैसा लेके आता है, बहुत पैसा आएगा। कैसे जाएगा ये बीच में? अच्छा आपको देख रही थी बच्चे। बीवन उल्टा जुड़ेगा क्या यहाँ से? अच्छा ये देखो जुड़ गया, वाव इट्स नाइस। और हम पहुंच भी गए। या अभी मैं खा भी लेती हूँ, ये भी पॉकेट में डाल रहा हूँ, ये भी और ये भी इसमें डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ लिखा इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ दी हूँ, क्योंकि आपने बाहर से कुछ लेके आए हो तो नहीं दिल में तो नहीं जोड़े हैं। लॉक है वो,
बहुत। तो अभी हम आ गए हैं रिलायंस मार्ट में नीचे बेसमेंट में और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए। बस स्पेसिफिकली हमें कुछ चीज़ चाहिए थी, वो हमें लोकली मिल जाएगी, तो हमने इसलिए अभी हम ढूंढ रहे हैं। और हमारा जो नॉनस्टिक की मेरा तवा है वो ख़राब हो गया यार, मतलब वारंटी वाला था। अब इनको पूछेंगे कि कैसे उसका रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या हिसाब है। तो दोस्तों आपको एक सच बताती हूँ, हकीकत बोल सकते हैं जिसको, लोगों के हस्बैंड गुची पराडा एलवी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉप ब्रांड्स के पर्स उनको दिलाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे रिलायंस जियो मार्ट का ये ब्रांड वाला पर्स दिलाया है जिसमें एक गुड्डू भी बना हुआ है लोगो। तो मैं ये पर्स लेके पूरे मार्केट में ऐसे घूम रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पर्स कैसा लग रहा है। अरे ये कोई आया इनकी और देखो ये लड़का मुझे कोई परेशान कर रहा है। प्लीज़ लड़के तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं बोल रही हूँ लोगों के घर वालों को अच्छे अच्छे ब्रांड के पर्स दिलाते हैं, और देखो मेरे को छोड़ कर चला गया। लोगों के घर वालों को ब्रांड के पर्स दिलाते हैं, मेरा घर वाला इस जियो मार्ट का झोला दे के बोल रहे हैं कि घूम इसको डाल के घूम। पर अच्छा लग रहा है यार, कुछ भी बोलो, इट लुक्स नाइस ऑन मी। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। देखो इनको इनको मेरे ऊपर कोई चीज़ अच्छी ही लगती है गाइस। देखो अच्छा लग रहा है ना, पकड़ के दिखाना ऐसे। देखो गाइस पीछे पीछे जाती हूँ मैं किसी के ऊपर अपना वजन बर्डन नहीं क्यों। तो गाइस देखो मेरे को ऐसे पर्स पूस लेके घूमना पड़ रहा है, एंड ये लड़का मुझे परेशान। कौन लड़का, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, बैठो। गाइस मैं इस लड़के के साथ सेट हो चुकी हूँ, ये लड़का मेरी सेटिंग बन चुका है। सेटिंग यस। और ये झोला मैं नहीं उठाऊंगी आज के बाद, ये झोला ऐसे बाइक पे जाएगा। तो मैं इसकी सेटिंग होगी और मैं इसे झोले उठा के नहीं घूमूंगी। ओके तो फाइनली हम आ गए हैं वापस मार्ट से शॉपिंग करके, और मैं लेके आई हूँ ये टू अपने फेस टॉवल, एक मिट्टू के लिए और एक मेरे लिए। और मेरा टॉवल को हाथ मत लगाना आज के बाद, ठीक है। वैसे हमारे पास हमारे टॉवल भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को सॉफ्ट चाहिए, इनको थोड़ा बड़ा टॉवल चाहिए होता है ना, तो वो भी फेस टॉवल, क्योंकि कहीं जाना लो ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छा रहता है। और टूथब्रश भी मैं दो लेके आई हूँ, ये लेके आए थे कैंटीन से बट वो उनको थोड़े हार्ड लगे, उन्होंने रख भी दिए थे बाहर, उन्होंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि तो उनके ब्रशेज इतने, तो ये मतलब सॉफ्ट ब्रशेज वाले हैं। ये ब्लू वाला मित्तू का है, पिंक वाला मेरा है। वैसे मेरे को पिंक पसंद नहीं है, बट उसका लड़का है तो दो लूँगी। और ये है स्ट्रॉबेरी, एंड एक है साथ में ये वाला वाटरमेलन का फेस पैक, और ये साथ में रोल ऑन है अंडर आर्म्स के लिए। एक ये मित्तू का है ये वाला, और ये वाला मेरा है। अच्छा मतलब इनकी और इनकी मतलब फ्रेगरेंस, मित्तू वाले की फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी है, और ये दोनों एक ही ब्रांड का हम लेके आए हैं। हम दोनों अलग अलग ले रहे थे, वैसे कंसिस्टेंसली सेम ब्रांड है। ये हमने लिया, बस यही सामान हम लेके आए, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया, राशन वाशन जो लाना था। मतलब इन्होंने बोला कि ये लोकल से लेके आ जाएंगे इधर पास से, मार्ट से क्यों उठाने इतने दूर से, इसलिए लेके नहीं आए। क्योंकि मैं थोड़ी ना तबीयत मेरी ऐसी हो जाती है यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को,
बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, स्टोरी भी लगाना ब्लॉग की, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और सपोर्ट भी करना, और कमेंट ज़रूर करना कितना मिस किया मेरे ब्लॉग्स को, कि ताकि मुझे भी पता चले यार मेरी अहमियत है कोई या नहीं है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. लव यू ऑल. बाय बाय.